हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 12वीं का सब्जेक्ट हिंदी। तो हिंदी का जो भी आंसर आपको लिखना है असाइनमेंट में, वो पूरा हम लोग इस वीडियो में जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों के आंसर आपको, सटीक आंसर आपको मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सभी सब्जेक्ट के इसी तरह के असाइनमेंट यदि आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 12वीं विषय हिंदी, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा जारी किया गया असाइनमेंट, उसका प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यशोधरा बाबू जब गांव से दिल्ली आए तो सबसे पहले किशन दा ने ये उनकी सहायता की। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, अच्छे से आप इसको बना लीजिएगा। पूरा सॉल्यूशन है। मैं धीरे धीरे पेज जो है स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप जहाँ पे भी ज़रूरत होगा वीडियो रोक लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत और भी प्रश्न है। तो सेकंड के का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, उषा का जादू, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो यहाँ लास्ट तक। तो सेकंड का उत्तर यहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट ये है। तो उत्तर क्रमांक जो सेकंड है, प्रश्न क्रमांक सेकंड, उसका का उत्तर ये रहेगा। तो सेकंड का जो खा है, आपके पास सभी के पास प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। तो प्रश्न पत्र से आप एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखता तो थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग जाता, इस वजह से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। सभी के पास थोड़ा क्वेश्चन पेपर तो होंगे ही, वहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का खा जो है उसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। और ये इसका लास्ट एंडिंग है। तो सूर्योदय के कारण से लेके यहाँ तक आप पूरा आंसर लिख सकते हैं सेकंड का खा। सेकंड के ग की बात करें तो दूसरे का ग उत्तर, दूसरे का ग जो है उसका कंप्लीट आंसर ये है। नीले जल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ये सब दिया गया है। तो ये आपको इसका कंप्लीट आंसर लिखना है, 2 का ग, ठीक है। इसी प्रकार जब प्रश्न क्रमांक 3 देखें तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर जो है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराते हुए क्या तर्क दिए, निम्न तर्क दिए। तो इसमें आप ये आंसर लिख सकते हो, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 तर्क है। ये कंप्लीट इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उड़ाने और लिखने का कविता से गहरा संबंध है। ये सब इस संबंध में सवाल पूछा गया था और इसका कंप्लीट आंसर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो, मैं धीरे से ये धीरे धीरे जो है पेज को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये कंप्लीट आंसर है, यहाँ से आप यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है आप वीडियो रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर लिख सकते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट है जिनको PDF चाहिए तो PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पाँचवें के का उत्तर यहाँ पर दिया है, पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है पेज 3, ठीक है। यहाँ पे पेज 3 जो है आपको पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता क्या है वो बताना है, पीठ पत्रकारिता जिसको कहते हैं। तो इसका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह 5 का ख जो है, ये खोज परक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, ये इसके आंसर है 5 का ख, और वॉच डॉग पत्रकारिता, ठीक है। 5 का ख कंप्लीट उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार 5 के ग की बात करें तो 5 का ग आपको नीचे दिखाई देगा और 5 का ग ऊपर है। तो 5 का ग पहले हम देख लेते हैं। 5 का ग उत्तर क्रमांक 5 का ग, स्वतंत्र पत्रकार का किसी विशेष समाचार संगठन से, तो ये संबंध नहीं होता है, वह अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखता है और बदले में कुछ पारिश्रमिक प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये है 5 का ग, प्रश्न क्रमांक 5 का ग उत्तर, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रश्न है 5 का घ, तो 5 का घ उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। 5 का घ मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे और इसका कंप्लीट आंसर यहाँ तक आप लिख सकते हो। तो ये सटीक आंसर है जो आपको
असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। यदि आपने असाइनमेंट अभी तक नहीं लिखा है या लिख लिया या स्टार्ट कर दिया है लेकिन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप इसका हेल्प बिल्कुल ले सकते हैं, आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, जिनके पास बुक नहीं है, कोई साधन नहीं है, उनके लिए भी आंसर लिखने का एक बढ़िया साधन बन सकता है ये, और उसी को लिख करके आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं वो क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से आपकी तैयारी भी साथ में चलते जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट हैं सब तक शेयर कीजिए, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आप तक जो है ये जो नोटिफिकेशन है आप तक अगर आपको चाहिए तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक। ठीक है, वीडियो यदि ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका सपोर्ट। हमारे चैनल पे आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट हैं जितने ज़्यादा लोग हमें अभी देख रहे हैं सब सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और जितने ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएंगे तो हम भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो हमारे इस चैनल पर आपको वीडियो क्लासेस भी मिलेंगे, सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की वीडियो क्लास भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो बिल्कुल ये आप काम कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया अपडेट के साथ और नए सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ, मैं आपको एक नया वीडियो लाऊंगा। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जब आप प्रेस कर देंगे तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके।